तो आप सभी की डिमांड पर आज हम होम टॉय की वीडियो बना रहे हैं। मैं ब्लर आ रही तो लेट्स सी कैसी लगती है आपको वीडियो। वीडियो चेक जरूर करें, फुल वीडियो देखें, पूरा होम टॉय विजिट कराएंगे आपको। हेलो काजल, कैसे आप? ठीक। हेलो चाचा, कैसे हो? ओके काजल, ये कौन है? ये चाचा ससुर जी। चाचा ससुर जी हैं? तो आज आप क्या दिखाने वाले लोगों को? आज आपको हम अपना घर दिखाएंगे। होम टूर कराओगे? हाँ। तो चलो स्टार्ट करो, चाचा का घर भी दिखाएंगे। ठीक है चलो। स्टार्ट होता है हमारे घर की स्टेयर्स। आप अपने घर जाइए। ये चाचा जी का घर है और ये हमारा घर है, तो हम अभी दोनों घरों का आपको होम टूर कराएंगे, वीडियो के साथ बने रहें। तो भाइयों, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे घर की लोकेशन। ओ कुत्ते में पानी का पाई जा करो, ओ देखो लगो तू पानी पी जा दे। पाया पानी, हाँ दूध पांदे पानी पांदे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है भाई साहब आज का होम टूर ब्लॉग। ये लोकेशन है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे घर का मंदिर हर हर महादेव। यहाँ पर हमारे घर के जितने भी देवी देवताएं हैं वो रखे गए हैं और यहाँ पर हम डेली पूजा करते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। इसके बाद हम बताएंगे अपने घर की लोकेशन, यहाँ से हमारे घर से क्या क्या चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ता ये दोनों ही आज यहाँ पर घूम रहे हैं। ओए एडम, एडम ले कम कम कम, एडम कम, आज नहीं सुनेंगे ये। तो यहाँ से हमारे घर की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, हमारा विलेज है सारा ही। यहाँ नीचे घर ही घर है, हमारा थोड़ा हाइट पे है घर, तो यहाँ से सब कुछ सामने दिखाई देता है। अभी हमने घर में आंगन को पक्का नहीं किया, यहाँ पर हम वो ग्रीन ग्रास लगाएंगे, मार्बल डालेंगे। तो ये है हमारा घर फ्रंट से, और अब जा रहे हैं हम घर के अंदर। ये बरामदा है। मासी जी नमस्ते। ये मेरे मासी जी हैं, ये दादी जी हैं, और ये मम्मी के कंगन बहन, इवन मेरी मासी हुई, ये भी मासी जी हैं। मासी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या गलावना, ये आपके दांत कैसे टूटे हैं? क्या करना, बुड्ढे हो यो, बुड्ढे हो यो, ऐसे दांत दिखाओ अपने। तो तीनों के दांत टूटे हैं। वो जय करे शेर वाली माता, वो सच्चे दरबार की सिरवार की जय की पै। तो भैया यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, और ये सारा बरामदा है। अब जाएंगे हम गैलरी में। काजल जी से हाय। सेंटर होते हैं तो इस तरह का कुछ व्यू आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी विंडो लगाई है हमने। काजल ये पर्दा ओपन करके बताएंगे आप, यहाँ से बाहर का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। एक सामने ये विंडो है, इससे भी सब कुछ दिखाई देता है सामने का। तो सामने का कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये है फ्रंट का व्यू, जहाँ से मेन डोर की ओपनिंग होती है, उसके साथ एक विंडो है और साथ में एक और विंडो है। ये रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे मम्मी का कमरा, चलो। ये है हमारी माता जी और पापा जी का कमरा। ये मम्मी ने बड़ा खलारा डाल रखा है। खलारा डाल रखा तो आपने साफ क्यों नहीं किया? मैं जितनी बार करती हूँ उतनी बार डाल रखे हैं पापा। तो कपड़े कैसे फेंके? कपड़े देखो इस तरह से गंदे डाला हमने घर में। ये है मम्मी जी का कमरा, यहाँ भी एक विंडो है सामने से, और सारा कर्टन लगा हुआ, अभी कर्टन खोल के रखा है कि लाइट वगैरह प्रॉपर रहे। ये एलईडी पैनल है, और साथ में इनको कहीं दूर ना जाना पड़े, तो साथ में अलमीरा वगैरह सब कुछ साथ में रखा है कि इनको कोई कष्ट ना हो। तो इसके बाद आपको दिखाएंगे क्या कमरा, ऋषि भाई का कमरा। ऋषि का है मेरा छोटा भाई, काजल का देवर। ये है ऋषि का कमरा। ये ऐसे इसलिए क्योंकि ये अभी सिंगल है, तो एक ही बेड लगा है। एक ही बेड लगा रूम है, यहाँ पे रजनीश कुमार जी सोते हैं। जल्दी इनकी शादी
एंट्रेंस से स्टार्ट होता है हमारी गैलरी हॉल जिसको बोलते हैं। तो ये है टोटल हॉल है, और ये हमने गेस्ट को बैठने के लिए एक सोफा सेट लगाया है, खुद को बैठने के लिए, और साथ में एलईडी पैनल है, और गेस्ट का पता नहीं पर हम ही इधर धुमाल पड़े रहते हैं, गेस्ट बार बार से चले जाते हैं। ये बहुत लंबी गैलरी है। अभी मैं आपको अपने किचन बताऊंगा, जो घर में हमने किचन बनाने के लिए जगह रखी, लेकिन अभी तक उसकी तैयारी नहीं की है। शादी बहुत जल्दी हो गई हमारी और इतना टाइम नहीं लगा किचन की सेटिंग कर सके, तो ये हमने किचन के लिए पूरा जुगाड़ रखा है। यहाँ पर हम किचन बनाएंगे, फिलहाल यहाँ पर हमने स्टोर रूम बना लिया है, क्योंकि किचन हमारे पास एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा है पुराने घर का। तो अभी इसमें किचन की सारी सेटिंग यहाँ पर करी हुई है, वो नलके लगाने के लिए सारा जुगाड़ रखा हुआ है, और यहाँ पर सारी सेटिंग है। तो अभी किचन की सेटिंग करेंगे, बाद में पहले उसको प्रॉपर चला रहे हैं अभी, उसके बाद जब उसको डिसमेंटल कर देंगे उसके बाद यहाँ पर किचन बनाएंगे। सो गाइस, अब हम आपको विजिट करवा रहे हैं मेरा रूम, काजल का रूम, इनका नहीं मेरा। ये पहले मेरा रूम होता था, जब से शादी हुई है ये काजल का रूम हो गया है, क्योंकि ये अंदर खलारा डाल के रखते हैं और मैं सफाई करके रखती हूँ। तो ये है मेरा रूम, काजल का रूम। मैं लाइट ऑन करती हूं, इसमें आप लाइट ऑन कर दो। पर एलईडी पैनल है, फिलहाल एलईडी हम लेके आ गए हैं, लेकिन अभी एलईडी लगाई नहीं है। साथ में यहाँ से, और ये मेरा बड़ा सा शीशा, यहाँ पे ये इसका ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे ये अपनी पूरी शक्ल बदलती है, मेकअप करती है। और विंडो दिखाओ, यहाँ पे दो विंडो हैं, एक ये कॉर्नर लगा के रखा है, और है साथ में यहाँ पे एक विंडो है जो पर्दे से कवर्ड है, और इसकी बैक साइड हमारा पुराना घर है। तो ये है काजल का रूम, काजल का रूम ये है, और साथ में इसके साथ अटैच वॉशरूम है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये अब आगे काजल अपने रूम से बाहर, दरवाजा लगा दो, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो। मम्मी जी चीनी लेके जा रहे हैं लोगों को देने के लिए, बहुत जोड़ लिए उन्होंने शादी में। तो अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलना चाहते हैं? आप कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा घर कैसे लगा। आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि होम डोर ब्लॉग डालो, सफाई भी हम डाल रहे हैं, और कमेंट करके बताओ आपको आगे। थैंक यू। आपको घर की कुछ लोकेशंस बताते हैं, छत पे हमारा घर, छत से हमारे घर की लोकेशन कैसी है। घर की छत से बात करें तो घर की छत से व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वो पार सामने है खुंडियाँ, इससे पीछे पड़ता है पालमपुर, और इस साइड धर्मशाला के व्यू आता है, जो यहाँ से दिखाई प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ये हमारा प्यारा सा गांव है, यहाँ पर हर तरह के घर आपको देखने को मिले। सूर्य उदय यहाँ से होता है और सूर्य यहाँ डूब जाता है।